आरोग्य नगरी 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 नमस्ते आरोग्य नगरी आरोग्य नगरी डॉक्टर वैशंपायन स्मृति शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के हो रहे हीरक महोत्सव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शायद आइसिंग ऑन द केक जिस प्रकार से हम कहते हैं सारे इवेंटों का सारे कार्यक्रमों का एक मुकुटमणि के प्रकार से शोभायमान होने वाला ये कार्यक्रम रहने वाला है। हमने सोलापुर नगरी, पुणे नगरी, बंबई नगरी, पंढरपुर नगरी, सब प्रकार की नगरियां सुनी है, पर ये आरोग्य नगरी क्या क्या बात है ये जानना हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पार्श्वभूमि के एक वीडियो में हमने देखा है इस हीरक महोत्सव के कि इस कैंपस ने हमको क्या कुछ नहीं दिया। आज इस कैंपस के प्लेटफॉर्म पे वैशंपायन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही तो हम सब काम कर रहे हैं, चाहे वे विद्यार्थी हो, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ हो, यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज के विद्यार्थी हो, हमारे फैकल्टीगण हो, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, सभी प्रकार के लोग हो, इसी का तो पगार हम लेते हैं, इसी का शिक्षण हम अर्जित करते हैं, यहीं से ज्ञान हम अर्जित करते हैं और यही हमारी कर्मभूमि रही है। आज जब इसके 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो इस हीरक महोत्सव का उत्सव तो अत्यंत जोरदार होना ही है, पर इसमें जोरदार कब होगा? जब हम इस प्रकार से कर्म करेंगे, इस प्रकार से अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव रख के, दूरदृष्टि रख करके इसको समर्पक भाव से हम इसको जब करेंगे तो ये जोरदार होगा। तो इसी कड़ी में, सारे कार्यक्रमों के इसी एक कड़ी में जो मुकुटमणि से रूप से शोभायमान होने वाला है वो आरोग्य नगरी का कार्यक्रम किस प्रकार का और क्या होने वाला है इस बारे में आपको कुछ जानकारी। तो हम में से सभी, चाहे वो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ, कोई भी हो, हम सब इस कॉलेज के हैं और इस कॉलेज के इस भव्य दिव्य होने वाले आरोग्य नगरी के उपक्रम में, कार्यक्रम में हम सभी की एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका है। थेंबे थेंबे तले साचे, ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर्म से लेक, ऐसी कहावत तो हमने सुनी ही है। और जब हमको कोई कार्य व्यापक स्तर पे करना है तो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये हमको पता ही है। और इसीलिए देखो, अलग अलग पत्ती की शोभा नहीं है, पर वो सारी पत्तियां बन करके मिल करके जब एक फूल बनता है तो वो फूल की शोभा अत्यंत अधिक होती है। उसी प्रकार से हम सब इस कैंपस की पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, और इन सबको एकत्रित आकर के जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं वो एक सुंदर सा वीएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फूल है, जिसकी डंडी, जिसका बेस, जिसका रूट, जिसकी स्टेम जो होती है उस फूल की, वो हमारे वैशंपायन सर और बाकी सारे फाउंडर्स हैं। और इस प्रकार से इस बेस पर खड़े होकर के हम एकत्रित आकर के इस आरोग्य नगरी के निर्माण से शोभायमान इसके हीरक महोत्सव का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस हीरक महोत्सव में ये नगरी क्या है? तो ये बेसिकली ऑल इन वन अंडर वन रूफ ऐसा प्रोजेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सर्विसेज। तो उस नगरी का निर्माण इस हेतु होगा कि वहां पे अलग अलग डोम्स होंगे और वहां पे स्टूडेंट के लिए भी, आने वाले जन सामान्य लोगों के लिए भी, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी, फैकल्टीज के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। जैसे आने वाले सामान्य लोगों को हम अवेयर किस प्रकार से करें, उनको हम अच्छी आदतों, अच्छे हैबिट्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन को उनके जीवन में किस प्रकार से उतारे। देखो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, पता है सबको चॉकलेट खाने से कोई विशेष लाभ नहीं है, पर टीवी में उसका एड इतना जोरदार होता है कि लगता है ये नहीं खाया तो जीवन में कुछ नहीं किया। उसी प्रकार से हेल्दी हैबिट्स के बारे में हम प्रचार प्रसार तो बहुत करते हैं, लेख आते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये वो सब चलते रहता है, पर जब हम उसकी प्रेजेंटेबिलिटी अच्छी रखेंगे तभी उसका लोगों के मन में भाव उतरेगा। और इसी प्रकार से डी एडिक्शन हो, ऑक्यूपेशनल हजार जो सोलापुर में ज्यादा हो, इन विषयों के ऊपर मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, जीरेट्रिक हेल्थ, अडोल्ट्स एंड हेल्थ, इन सब विषयों के ऊपर, या शॉर्ट फिल्म्स हो या उसका इवनिंग प्रोग्राम हो, तो उसमें रोज एक थीम के ऊपर एक स्किट के माध्यम से, एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, किसी भाषण के माध्यम से लोगों को उसके ऊपर जानकारी हो। उसके साथ ही साथ लोग आरोग्य नगरी में आएंगे तो उनको सबसे बड़ी फ्री हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ चेकअप, जैसे नॉन इन्वेजिव हो या लेस इन्वेजिव हो। आज हम इतना सुसज्ज लैबोरेटरी हमारे पास है, इतना सुसज्ज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इन सभी के माध्यम से
जिसके जो इंडिकेशन है, स्क्रीनिंग है, इस प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट हो। इससे हमारे पास तो बहुत बड़ा डेटा तो आएगा ही, पर उसके साथ साथ लोगों को मुफ्त सर्विसेज मिलेगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको। उसी के साथ हम ये भी सोच सकते हैं उस आरोग्य नगरी में हम इस प्रकार से चीजों को विद्यमान करें कि लोगों को सिविल हॉस्पिटल के प्रति एक विश्वास हो। उसके लिए सिविल हॉस्पिटल का जो बेसिस है वो हमारा जबरदस्त इतिहास हम अच्छे से प्रेजेंट करें, उसकी मूलभूत बात क्या है वो प्रेजेंट करें, और इसका भविष्य कितना सुंदर हो सकता है कि आज सोलापुर जैसी नगरी जो तीन स्टेट्स के कॉम्बिनेशन में या तीन स्टेट्स के कॉन्फ्लुएंस पे आके बसती है, और जहां पर इतने सारे आजू बाजू के मेडिकल कॉलेजेस हैं, और यहां पे अगर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो तो सोलापुर का भविष्य कितना सुंदर हो सकता है। इस प्रकार का फ्यूचर प्रेजेंटेशन हो जो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तो 2 साल बाद 5 साल बाद ये होना ही है। और ये साउथ इंडिया का, न केवल महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, पर पूरे साउथ इंडिया का बहुत अच्छा मेडिकल हब क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा प्रेजेंटेशन हो। उसी के साथ लोगों, बच्चों के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन एग्जीबिशन की, अच्छा ऑर्गन कैसा दिखता है और पैथोलॉजिकल ऑर्गन कैसा दिखता है, और उसके फिर पीओपी के मॉडल्स, उसके फिर आपके जैसे हम साइंस के एग्जीबिशन में करते हैं उस प्रकार से, साइंस के एग्जीबिशन में जिस प्रकार से हम करते हैं वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का या कार्डियक पंपिंग का मॉडल, इस प्रकार से उनको प्रेजेंटेशन हो। इस प्रकार से सभी एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हो कि उनको कुछ मिले। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बुक्स की स्टॉल्स हो, ब्लड डोनेशन स्टॉल्स हो, बड़ों के लिए कुछ प्रकार के चेकअप्स हो, फीमेल के लिए अलग स्पेशलिटी ओपीडी हो। इस प्रकार से 5-7-10 दिनों के लिए हम लोगों को अत्यंत ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। तो आरोग्य नगरी किस प्रकार का मॉडल होगा? तो जैसे हम समझते हैं कि ये हमारा प्रांगण है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डोम्स हैं। इसके बीच में हमारे कुछ स्टॉल्स हैं, जिसको डोम जितना बड़ा जगह नहीं लगेगा, जिस कॉन्सेप्ट को उसको हम स्टॉल्स देंगे। यहां पे हमारा मेन एंट्रेंस है, और यहां पे सभी जगह पे हेल्प डेस्क। अब लोग इतने बड़ी नगरी में आएंगे तो उनको दिन भर का समय तो लगेगा, तो सबसे पहले क्या लगता है? ड्रिंकिंग वाटर, पानी पियेंगे तो क्या करेंगे, टॉयलेट तो लगेगा। अब इतने से थोड़ी ना काम चलेगा, कुछ खाना पीना भी तो रखना पड़ेगा, तो इट हैज टू बी अब इसके साथ में सारे प्रकार के जानकारी के पैम्फलेट्स होने जरूरी है। उसके अलावा बुकलेट्स होने जरूरी है, उसके अलावा फ्लेक्स होने जरूरी है, बैनर्स, होर्डिंग्स, बेसिकली इस प्रकार की मूलभूत चीजें सारे नगर में होनी चाहिए। अब समझो जो हम इवनिंग को प्रोग्राम करना चाहते हैं उसका एक सभा मंडपम भी तो होना होगा, जहां पे आप सभी लोगों को एकत्रित रखेंगे, बुलाएंगे। अच्छा, इस सभा मंडपम में हम रोज अलग अलग बड़े बड़े गेस्ट को बुलाएंगे, जिनके इंस्पिरेशन से हम काम करें, जिनसे हम कुछ सीख सकें, और ऐसे आयोजन की वो भी तो कुछ सराहना जरूर करेंगे, और उनको भी तो पता चले कि वीएम और सोलापुर क्यों विशेष है। तो ये सभा मंडपम रोज एक थीम, जैसे आज एडोलेसेंट हेल्थ, कल मैटरनल हेल्थ, परसों जीरियाट्रिक हेल्थ, उसके बाद नियोनेटल हेल्थ, ऐसे अलग अलग विषयों पे, सपोज अगर हम 7 दिन का ये नगर कर रहे हैं तो 7 दिन के 7 अलग अलग थीम के ऊपर हम इसको करें, और उसी प्रकार के गेस्ट और डिग्निटरीज को हम इनवाइट करें। अब दूसरा एक है कि वीएम की हिस्ट्री, जो हीरक महोत्सव को हम कर रहे हैं उस वीएम की हिस्ट्री, और जो हम फ्यूचर पोर्ट्रे करेंगे उस फ्यूचर के लिए एक एग्जीबिशन अरेंज करें कि कैसे परिश्रम से, 22 साल के परिश्रम से वीएम मेडिकल कॉलेज वैशंपायन सर ने शुरू किया, फिर वो प्राइवेट से गवर्नमेंट कैसे हुआ, इस बारे में कि एक सोची समझी सर, इट्स अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी बेसिकली। इस प्रकार से संपूर्ण इतिहास और होने वाले भविष्य को हम प्रेजेंट करें। उसी के साथ हम एक इसमें पूरा हेल्थ चेकअप डोम रखें, पूरा हेल्थ चेकअप डोम,
पूरा हेल्थ चेकअप, सभी प्रकार का स्क्रीनिंग, जो भी हमको टेस्ट वेस्ट करना है, ब्लड प्रेशर और पल्स बीपी, ब्लड शुगर से लेकर के जो भी हमको टेस्ट करना है, वो सारे टेस्ट का हम लाभ लोगों को यहाँ पे दें। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, इसको हम सपोज स्क्रीन वन और इसको हम स्क्रीन टू अगर ऐसा करते हैं, तो स्क्रीन वन में सपोज हम डी एडिक्शन के ऊपर शॉर्ट फिल्म जोरदार, तो इसको हम ये करेंगे कि हम ऑल कॉलेज के लेवल पे इंट्रा कॉलेज एक वीडियो प्रेजेंटेशन या शॉर्ट फिल्म कंपटीशन रखेंगे और उसमें का बेस्ट मूवी हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। और वो डी एडिक्शन से कैसे उसका घर बर्बाद होता है, फाइनेंशियली वो वीक होता है, फिजिकली उसका बॉडी को, शरीर को नुकसान हो जाता है, इस प्रकार से सारी बात यहाँ पे इसमें शॉर्ट फिल्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक जैसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हमने देखा है, उस ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के ऊपर हम शॉर्ट फिल्म कर सकते हैं। या दूसरे, या फिर इससे भी और एक दूसरा अच्छा टॉपिक है कि डॉक्टर तो सब लोग अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, डॉक्टर तो सब लोग अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, पर जैसा एक पिक्चर हमको पता है, सोल्जर इज नेवर ऑन अ हॉलीडे, वैसे डॉक्टर इज ऑल्सो नेवर ऑन अ हॉलीडे। और ये बात लोगों को कोविड में तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ऐसा एक शॉर्ट फिल्म हो कि माँ बाप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, भाई उसमें इनकम बहुत है, उसमें रिस्पेक्ट है, ये पर वो दिवाली के दिन भी उसको फोन आता है, सर पेशेंट सीरियस है, आपको आना पड़ेगा। तो डॉक्टर के सिग्निफिकेंस के ऊपर कि डॉक्टर इज नेवर ऑन हॉलीडे, नेवर ऑन हॉलीडे, ऐसा कोई शॉर्ट फिल्म लोगों को प्रेरणा मिले कि जो हम, और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि हाउ आई एम ए डॉक्टर, How am I a doctor? क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, मैं क्या डॉक्टर हूं क्या, पर सब कोई व्यक्ति डॉक्टर है, जो प्रिवेंशन कर रहा है वो भी डॉक्टर है, जो सफाई से लोगों को बीमारियों से बचा रहा है वो भी डॉक्टर है। इसका मतलब वो सफाई कर्मचारी की बात ऐसा नहीं कि अगर हम खुद के शरीर को क्लीन रखेंगे तो हम नर्सिंग का काम डॉक्टर का ही तो काम कर, जैसे डायबिटिक लोग होते हैं तो उनके पेरिफेरल सेंसेशंस कम हो जाते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से, तो क्या होता है उसकी वजह से क्या, तो उनको कांटा चुभ गया तो उनको पता नहीं चलता है, तो दे हैव टू टेक सेल्फ केयर, समझ में। तो इस प्रकार से हाउ एम आई ए डॉक्टर, हर कोई सैनिक बन नहीं सकता है, जाकर के जवान लड़ नहीं सकता है, पर भारत माता की सेवा करने के लिए स्वच्छता तो रख सकता है, करप्शन फ्री तो रह सकता है। उसी प्रकार से अपने हेल्थ को हम किस प्रकार के उससे अच्छा करें, उसको हेल्थ संवर्धन, आरोग्य का संवर्धन किस प्रकार के करें, इस प्रकार हाउ एम आई ए डॉक्टर, अ डॉक्टर इज नेवर ऑन हॉलीडे एंड हाउ एम आई ए डॉक्टर, ऐसे दो फिल्म भी बन सकते हैं। और जैसा कि उल्लेख किया था एक ऑर्गन एग्जीबिशन का, तो ऑर्गन एग्जीबिशन का भी हम इस प्रकार से बच्चों के लिए विशेषकर हम इसमें कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आरोग्य नगरी इतनी सुसज्जित सुंदर होगी। इसके अलावा बीच में इतने सारे स्टॉल्स होंगे, जो स्टॉल्स जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव, क्योंकि ब्लड डोनेशन के लिए इतना बड़ा डोम नहीं लगेगा, पर ब्लड डोनेशन हो गया, ऑर्गन डोनेशन हो गया जो डेथ के बाद, बॉडी डोनेशन हो गया, ऐसे अनेक प्रकार के स्टॉल्स, उनकी जानकारी। अच्छा, हम इतना सारा आरोग्य, इतना बड़ा नगर एस्टेब्लिश करेंगे, 2-5-10 acres पता नहीं कितना, तो उसमें बहुत सारा वेस्ट जनरेट होगा, तो लोग बोलेंगे ये तो आप एक तरफ तो बोलते हैं आप क्लेलीनेस रखो, हेल्थ करो, और दूसरी तरफ आप गंदा कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी तो काम करने का, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट या मेडिकल BMW, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट BDW, इस प्रकार से इसका भी एक आधा स्टॉल हो सकता है। गो ग्रीन का संदेश देते हुए, प्लास्टिक फ्री एनवायरमेंट का संदेश देते हुए, ऐसा भी तो एक स्टॉल हो सकता है। इस प्रकार से यहां पे होने वाले अनेक स्टॉल्स के बारे में हम विचार कर सकते हैं, और इतना सुंदर यह आरोग्य नगर सुशोभित होगा कि लोग इसको एक आइडियल और मॉडल के जैसे देखेंगे। और यहां पर हमारे रोल मॉडल, हमारे आज तक के हुए सारे डीन, हमारे प्रेजेंट डीन, हमारे फैकल्टीज, हमारे ऑनरेबल सारे जो पदाधिकारी है कैंपस के, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पे, न केवल स्टूडेंट्स पर फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के सारे जो मेंबर्स हैं, जो सारे एम्प्लॉयज हैं, उन सबकी उतनी महत्वपूर्ण, और उन सबको जोड़ने का काम हम विद्यार्थियों का, ऐसा मुझको लगता है। और इस प्रकार से आरोग्य नगरी को सुंदर, जबरदस्त, अद्भुत और अद्वितीय, भूतों भविष्यति, ऐसा करके हम अपने कैंपस को एक बहुत बड़ी हीरक महोत्सव के निमित्त से हम उसको भेंट दे सकते, एक सौगात दे सकते, अपना रिस्पेक्ट पे करेंगे, ऐसा लगता है। इसी आशा के साथ आप सभी लोग इसमें नाना प्रकार से जुड़ेंगे। अब जुड़ना कहाँ पे, आप विचार करेंगे क्या क्या है, तो
तो ये तो मैंने छोटी लिस्ट लिख दी, ये तो मैंने छोटी लिस्ट लिखी थी कि ये क्या क्या बेसिक नीड्स है। पर इस नगर को बनाने में अगर हम विचार करते हैं तो सबसे पहले लैंड कहां पे, दूसरा इतने पंडाल बनाओगे तो पंडाल वाले को तो पकड़ना पड़ेगा, तो पंडाल फैलो, पंडाल पंडाल जो भी इसका स्पेलिंग होता है। तीसरा इसको डेकोरेट कैसे करेंगे हम, फुगे लगा के, नो फ्लेक्स बैनर्स होर्डिंग्स, उसके साथ साथ हम यूज कर सकते हैं साथ में फाइबर मटेरियल जो आजकल बैनर्स में वगैरह होर्डिंग्स में बहुत यूज करने को हुआ है। उसके साथ क्या लगेगा, जैसे हमने बोला वाटर एंड फूड, इसको डस्ट फ्री रखने के लिए पूरे एरिया को मैटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे एलईडी स्क्रीन्स लगेंगे शॉर्ट फिल्म दिखाने के लिए, ऑडियो वीडियो सिस्टम पूरा, और यहाँ पे स्टेज लगेगा ये सब, और इतने हजारों तो चेयर्स लगेंगे। शॉर्ट फिल्म अगर आप 20 मिनट की लोगों को दिखाओगे तो खड़ा थोड़ी ना करोगे, इतना ऑर्गन एग्जीबिशन करोगे तो इसके लिए टेबल टूबल सब लगेगा, ये सारा आयोजन। इसके अलावा यहाँ पे एक HRPR भी होगा सेंटर की, जो हमारे मेन गेस्ट आते हैं डिस्टिंग्विश गेस्ट आते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रत्येक डोम के अंदर इधर के अंदर के इवेंट को मैनेज करने वाले वॉलंटियर्स, तो ये इवेंट मैनेजिंग वॉलंटियर्स होंगे। उसके साथ इतनी जो हजारों की संख्या में भीड़ आएगी, दे विल बी वॉन्डरिंग ब्लैंकली, तो ये मॉब को हैंडल करने वाले मॉब वॉलंटियर्स भी तो होंगे। लोग आएंगे, उनसे फीस नहीं लेना है, पर उनको रजिस्टर करके उनको ग्रीट करने के लिए HRPR पे या फिर इंफॉर्मेशन डेस्क पे उनका स्वागत करने के लिए भी तो कुछ वॉलंटियर्स लगेंगे। इतने बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, उनको बुलाने के लिए गेस्ट कमिटी के लिए भी तो वॉलंटियर्स लगेंगे। उनको बुलाना, होस्ट करना, उनको पूरा नगर घुमाना, जैसे कोई VVIP गेस्ट आया तो उनको बताना पड़ेगा ना यहाँ पे क्या है क्या है क्या है, गाइड की तरफ, तो गाइड वॉलंटियर्स भी हमको लगेंगे। ये इंफॉर्मेशन डेस्क खाली बना के थोड़ी रखना है, वहां भी तो कुछ लोग बैठेंगे। इस प्रकार से हर एक छोटे मोटे घटक में अलग अलग। अच्छा ये फ्लेक्स क्या, इसे प्रार्थना करने से बन जाएगा बटन दबाते, इसको किसी को डिजाइन भी तो करना पड़ेगा। लोगों को पता कैसे चलेगा, लोग आएंगे कैसे, तो उसके लिए मीडिया का भी तो उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए प्रेस हो गया, लोकल न्यूज चैनल्स हो गया, तो उसको अगर हम बोलेंगे हमारा प्रचार कर दो पैसे लेगा, पर उसके लिए अगर हम छोटे छोटे इवेंट करेंगे कि आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज, इसका प्रेस ऑर्गन एग्जीबिशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज, शॉर्ट फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो आपकी बात को कवर करेगा, पेपर में छापेगा, अलग से उसके पैसे नहीं लगेंगे। तो इस मीडिया का मटेरियल रेडी करना, मैटर रेडी करना, उसको प्रेजेंट करना, प्रेस के सामने बोलना, इसके लिए भी तो लोग चाहिए रहेंगे। इस प्रकार से सभी लेवल पे यहाँ पे वॉलंटियर्स की अपेक्षा है और वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। और ये तो एक सो जनरल मॉडल हो गया, पर इसको और सुंदर करने के लिए और सुशोभित करने के लिए कुछ हमारे डिजाइनर बंधुओं के भी तो जरूर पड़ेगी, जो आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस आरोग्य नगरी। इस प्रकार से जोरदार इस आरोग्य नगरी का निर्माण हम सभी को मिलकर के करना है। तो एवरी फील्ड एवरी ब्रांच एवरी साइड हैज इट्स ओन। अच्छा इसमें कम से कम 200 से 500 वॉलंटियर्स काम करेंगे, आप विचार करो, अगर एक इसमें 10 लोग काम कर रहे ऑन द स्पॉट, 10 10 10, ये अंदर के इवेंट को मैनेज करने के लिए। तो इधर 30 हो गए, और यहाँ पे ये हेल्थ चेकअप में तो बहुत सारे लगेंगे, कम से कम 50 वॉलंटियर्स लगेंगे, और यहाँ पे ये हम कर रहे हैं हिस्ट्री, इसमें भी समझो 10 वॉलंटियर लगेंगे, यहाँ ऑर्गन एग्जीबिशन में भी ज्यादा लगेंगे, समझो 20, यहाँ पे 10, और ये गेस्ट कम, ये तो पूरा मंडपम का ऑर्गेनाइज, उसमें भी कम से कम 50 लोग, क्योंकि उसमें 17 कमेटियां रहेंगी, तो 50 50 100 100, और ये कितना 50 150, तो यही हो गए। फिर ये मॉब को मैनेज करने तो सबसे ज्यादा चाहिए, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, तो कम से कम 50 से 100 लोग यहाँ पे चाहिए मॉब में, मॉब और आपका HRPR और इन्फो डेस्क, तो 250 300 लोग तो उस टाइम पे इवेंट में चाहिए। और इट इज नॉट पॉसिबल, सपोज आप 9 AM से 9 PM तक नगरी को चालू रखते हैं, तो आप विचार करो, आप 12 घंटे किसी एक जन को यहाँ पे ड्यूटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो आपको 6 घंटा 8 घंटा का रोटेशन लगाना पड़ेगा।
लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जब आप रोटेशन लगाओगे तो अभी 200-250 लोग एक टाइम पे चाहिए, तो रोटेशन में डबल हो गया, 500 लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये सब एग्जीक्यूट होने के लिए इसकी पूर्व जो तैयारी करनी है उसके लिए भी तो कुछ 550 लोग चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पे 100 लोग पकड़ लीजिए सब मिला करके, और यहाँ पे 250-300-400 लोग पकड़ लीजिए, तो ऐसे 200-500 लोग से बजाय 400-500 लोग तो हम सब लोग को करना ही है इसको मिल करके, वॉलंटियर स्टूडेंट वॉलंटियर्स को। और मजे की बात यह है कि ये सब बड़ा आयोजन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, इसकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी मैटिंग करना, इतने बड़े पेंडॉल लगाना, इतने बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाना है, इतना बड़ा स्टेज बनाना है, इतनी बड़ी आरोग्य नगरी का निर्माण करने के लिए सबसे अर्थव्यवस्था तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस अर्थव्यवस्था को जो खड़े करेंगे वो फाइनेंस टीम भी तो चाहिए, कि ये थोड़ी ना भगवान बोलेगा वो अच्छा काम कर रहे हो, वैशम पाइन सर बोलेंगे वो अच्छा काम कर रहे हो, चलो ये पैसा बरसाओ। तो फाइनेंस तो अवेलेबल है, वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ फाइनेंसेस, बट वी हैव टू कंपाइल देम ऑल। तो इसमें हमारे एसेट्स कौन होंगे, क्या होंगे, ये सारे का प्लानिंग और दिमाग में विचार है। तो इस प्रकार से हम इसकी डिटेल्स जो फाइनेंस कमेटी के लोग रहेंगे उसमें बात करेंगे। पर कहने का मतलब है कि इतना अद्भुत अद्वितीय और जोरदार बड़ा सारा आयोजन करने के लिए हम सभी को इसमें जुटना है और अपने कैंपस के प्रति रेवरेंस ओबेजेंस रिस्पेक्ट कि हम इसका नमक खाते हैं, तो इसके प्रति हम कुछ अपना व्यक्त करें। और इसके जो 60 साल पूरे हुए हैं, इतना विजन वैशम पाइन सर ने रखा, तो उसके प्रति एक अपना भाव, अपना कार्य टाइम देकर के, पैसा कोई नहीं मांग रहा है, टाइम देकर के हम व्यक्त करें, बस यही आशा है, यही बात है। आशा है आप सब लोग इस जबरदस्त आरोग्य नगरी में आप जुड़ेंगे और अपना जीवन, लोगों का जीवन और इस कैंपस के जो स्तर है इसका, इसको आप जोड़ेंगे। विचार करो देश विदेश में जहां सब जगह हमारे एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोग जहां आएंगे ये देखेंगे या दूर से भी देखेंगे जो नहीं आ पाएंगे, तो कितना उनको आनंद हो जाएगा। और इसका मोस्ट प्रोबेबल डेट हम प्लान कर रहे हैं May 2023। इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, बट द मोस्ट प्रोबेबल डेट इज May 2023। और उस टाइम पे माना सोलापुर में बहुत गर्मी होती है, पर उस टाइम पे ना कोई हमारे एग्जाम्स है ना कुछ और है, बस इतनी है, इसमें थोड़ी समर वेकेशन आती है। तो अगर हमारे कॉलेज के प्रति अगर हम कृतज्ञ है तो हम उस छुट्टी को आगे पीछे एडजस्ट कर सकेंगे और सभी को लाभ देंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।